इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आज रेसिडेंसी स्थित बैठक रखी, जिसमें इंदौर के सभी व्यावसायिक क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दी गई है। सभी जोन में दुकानें ऑड इवन के तहत संचालित की जाएगी, जिससे भीड़ नियंत्रित की जा सके। छोटे व्यवसायी चाय नाश्ते वालों के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक की अनुमति दी गई। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। आज जो आर्थिक गतिविधियां और कैसे खोली जाए उसको लेके चर्चा हुई। जोन जो भारी क्षेत्र है 2 और 3, उसमें तो हम लगभग सभी गतिविधियां खोल रहे हैं, कुछ को छोड़कर। खास करके मॉल हुआ या जिम हुआ या सिनेमा हुए, मॉल वालों से हमारी चर्चा हुई, उनको बुला के हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि किस प्रकार मॉल खोलने चाहिए उनसे बात करेंगे, जिम हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, इनसे बात करेंगे, फिर खोलेंगे। बाकी लगभग पूरा क्षेत्र भारी खुला रहेगा। और जो शहर का मध्य क्षेत्र है, राजवाड़े के आसपास मारोठिया, कपड़ा मार्केट, सराफा, बर्तन बाजार, शीतला माता बाजार, इटली पिपली बाजार, इन सबको ऑड और इवन करके खोला है अल्टरनेट, ताकि लोगों की जो आने वाले ग्राहक हैं वो भीड़ ना लगा। एक बात का और हमने निर्णय लिया कि पिछले दिनों ये बात आ रही थी कि नगर निगम के जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगा था उसको लेके फाइन लग रहा था, हमने वो 1 सप्ताह के लिए स्थगित करा। अब 1 सप्ताह में फाइन नहीं लिया जाएगा, पर फिर भी मैं बताऊँ कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर लगाएंगे, लेकिन अभी 1 सप्ताह के लिए नहीं। तो जनता से निवेदन है कि उन सब बातों का ध्यान रखें, ताकि हमको फाइन नहीं लगाना पड़े। क्राइसिस मैनेजमेंट की भी काफी शहर की निगाह इस पे टिकी हुई है, क्योंकि कई वर्ग ऐसा है जो अभी भी पूर्णतः लाभान्वित नहीं हुआ है, तो किस तरह के डिसीजन यहाँ पर हुए, आने वाले समय में शहर की किस तरह की दिशा होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था जोन 1 में जो मध्य क्षेत्र है, इसमें खिर्ची दुकानों का निर्णय था। सभी के मत में थे कि इनको ऑड इवन पे खुलना चाहिए, उस पर निर्णय हुआ है कि ऑड इवन पे खुलेंगी दुकानें वो। और इसी प्रकार जो सियागंज का, हाथीपाले का जो ट्रांसपोर्ट वाला था, वो भी जो ट्रांसपोर्ट वाला ऑफिसर है ऑड इवन पे खुल सकेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। जोन 2 लगभग पूरा खुलेगा, उसमें केवल मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और जो ये जिम है, अभी इसके लिए थोड़ा कुछ और कमिटीज़ बनी है, चर्चा हो रही है उसमें, इनको छोड़ करके जोन 2 पूरा खुल जाएगा। क्योंकि छोटी वॉल टोली, सरवटे और रेलवे स्टेशन वाली जो दुकानें हैं भारी काफ़ी कंजेस्टेड, इनको ऑड इवन पे हुआ है कि 7 दिन तक इनको ऑड इवन पे खोला जाए, अभी 7 दिन बाद फिर रेगुलरली खुल सकेंगे। जोन 3 जो 29 गाँव का है, ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है, वो वाला भी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। रेत गिट्टी और इसके जो व्यापारी हैं अपने मुरम के, इनको रात में 11 से सुबह 5 तक की अनुमति देंगे। इसके अलावा जो छोटे चाय और नाश्ते वाले जो लोग हैं, इनका भी रोजगार रहता है, उनको भी सुबह 6 से 10 की अनुमति दी गई है कि प्रातः रखते हैं, इसके बाद फिर बंद करना होगा इनको। और मुख्य तौर पर इसी तरह से भी सराफे की रात की उसमें और 56 की जो भीड़ की जो इकट्ठी होती है, इसको 2 के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। पर 56 में जो अन्य दुकानें हैं जिसमें कि खिलौने बेचने वाले, ये सब खुल सकेंगे। ये जो सर, इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसीजर देखा जाए, जिसमें मॉल्स वगैरह हैं या मंदिर वगैरह हैं, उसको लेकर कुछ अभी मंदिर के बारे में चर्चा हुई थी, जो समिति ने जो हम लोग ने जो धर्मगुरु की बैठक ली थी, इसमें जो चर्चा हुई थी, हमने समिति को बताया था कि सभी इसमें एक मत थे कि अभी थोड़ा इसको होल्ड पर रखा जाए, थोड़ा विलंब से इसको इसमें निर्णय लिया जाए किसी प्रकार का। तो अभी इसमें तो यथास्थिति है, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। और जो मॉल्स के बारे में एक ये है कि बुला के क्या SOP बनाई है, इनको एक उप समिति है उसमें बुला करके चर्चा की जाएगी उसमें। बाकी तो एक रेस्टोरेंट्स के लिए भी बुला के SOP के बारे में चर्चा की जाएगी, तो इन्हीं को होल्ड किया गया है कुछ चीज़ों को। सर, ये जगन्नाथ की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।